आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। एट वाट रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 अमाउंट्स टू ₹13,310 इन 3 ईयर्स इज 13%, 11%, 10%, 12%। यहाँ पे ये रेट बताना है जिस रेट पे ये 10,000 3 साल में 13,310 हो गया है। ठीक है, 3 साल का टाइम पीरियड हमें गिवन है। तो आइए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल सा ये रेट परसेंटेज चेंज है। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को, इनिशियल और लास्ट वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ पे देखिए 100 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 133.1। ठीक है, एक तो ये मेथड है, ठीक, जिसे आपको अगर पता है बेसिक परसेंटेज चेंज कि कितना होता है। 3 टर्म्स के लिए 10% चेंज करते हैं तो फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आएगी। ठीक है, तो ये 10% होता है। अगर आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 10% बढ़ के क्या होता है, 110, 121 और 133.1 होता है 3 साल में। तो ये बहुत ही बेसिक सा परसेंटेज टर्म है 10% रेट, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 110 हो जाता है एक साल में, 110 दूसरे साल में 121 हो जाता है और तीसरे साल में 133.1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स है। हालांकि अगर आपको नहीं पता है, जिस केस में अगर आपको रेट परसेंटेज चेंज नहीं पता है, ये तो हो गया है जहाँ पे आपको पता है, तो वहाँ पे आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 10% इसका आंसर है कि 10,000 को आप 10% 10% 10% 3 बार लगाएंगे तो आपका वैल्यू 13,310 आएगी। आइए फार्मूले से देखते हैं, फार्मूले से इसको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको इनिशियल टाइम, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया गया है, रेट निकालना है। फार्मूला आप जानते हैं क्या है, 3 साल का या कितने भी साल का, फार्मूला तो आपका सेम ही रहता है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power of t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया है 13,310 और प्रिंसिपल दिया है 10,000। रेट हमें पता करना है, टाइम पीरियड 3 है। वैल्यूज हमने जो जो क्वेश्चंस में दी थी हमने इसमें डाल दी है। अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ इसको ले आते हैं, इसका हम 10 कैंसल आउट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये किसका क्यूब रूट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पावर क्या आ रही है, क्यूब है दूसरी तरफ। तो हम देखेंगे कि किसका क्यूब है, 1331, और 10,000 का तो हमें पता है सिंपली। ठीक है, और 1331 का भी आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको पता है कि 1331 होता है 11 का क्यूब। ठीक है, 11/10 का क्यूब। ठीक, और इस तरफ क्या रहेगा, 1 + R/100 to the power of 3। ठीक है, और यहाँ पे 11/10 क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर आके 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11/10 हो गया और ये 1 जो है इस तरफ आके आपका क्या हो गया, 11/10 - 1 = यहाँ बच गया हमारे पास R/100, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया तो 11/10 क्यूब से बाहर आ गया और ये 1 + R/100 क्यूब से बाहर आ जाएंगे और 1 क्या है, दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 11/10 - ये 1 इधर आ गया, -1 = R/100। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 देगा, 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 इस तरफ आके R = 10% दे देगा। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आती ही होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।